पन्ना जिले मूल निवासी पूर्व कलेक्टर एवं माइनिंग सेक्रेटरी नरेंद्र सिंह परमार के द्वारा पन्ना के हीरे को बुंदेली हीरे के नाम से विश्व में नहीं पहचान दिलाने गुरु प्राणनाथ डायमंड प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से लगभग 1.5 वर्ष पूर्व शुरू किया गया। वहीं एमपी यूपी सहित देश के कई राज्यों के चुनिंदा कारोबारियों को पन्ना के हीरा फर्सी पत्थर के साथ अन्य संसाधनों के बारे में जानकारी देकर उन्हें इस ओर आकर्षित किया गया। योजना को पूर्ण रूप देने के लिए झलाई कोठी में बैठक बुलाई गई जिसमें कई बड़े कारोबारी शामिल हुए और परमार के नेतृत्व में मिलकर गुरु प्राणनाथ डायमंड प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से पन्ना जिले के हीरा उद्योग को बढ़ावा देने की कार्य योजना पर पूर्ण सहमति दी। देखो, पहला तो चूंकि पन्ना के ही हैं और ये हमारी तीसरी पीढ़ी है जो बाहर नौकरी करके वापस आई है पन्ना में, तो पन्ना से हमारा मानना यही है कि हीरा जो विश्व प्रसिद्ध हो सकता है और अब तक नहीं हुआ है तो उसको वर्ल्ड का ब्रांड बनाएंगे, वो बुंदेली हीरा नाम से है। हमारी गुरु प्राणनाथ डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड ये माइनिंग सेक्टर को देखेगी और माइनिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हमारा ज़िला बहुत आगे है। यहाँ की फर्शी पत्थर बिहार तक जाती है, रेत बाहर तक जाती है, लेकिन हम नदी की रेत को बचाना चाह रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार की नीति यही है। तो यहाँ हीरे के साथ एमसेंट बनाई जाएगी हीरे की खदानों में, बाद में उन्हीं खदानों पे गाय बैलों को पाल के जो बाहर घूम रहे हैं उनको पाल के हम यहाँ पे हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर ये दो चीज़ें डेवलप करेंगे। गोट्री है, पोल्ट्री है, ये सभी ओवरऑल डेवलपमेंट की बात है। परमार साहब एक नया वेंचर प्रारंभ कर रहे हैं जिसमें कि इस क्षेत्र का अच्छा विकास हो सके, जैसे कि कहते हैं वोकल फॉर लोकल, और यहाँ पर रोजगार की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं लोकल मटेरियल्स का उपयोग करके। जैसे कंस्ट्रक्शन के संबंध में बात करें या हम एग्रीकल्चर के संबंध में बात करें, माइनिंग के क्षेत्र में बात करें, तो बहुत सारी संभावनाएं इस क्षेत्र में हैं जिसको कि अनएक्सप्लोर्ड रखा गया है। और जो परमार साहब का इसमें सुझाव है और जो उनके प्रयास है उसमें हम विश्वविद्यालय के साथ में इस वेंचर के साथ काम करना चाह रहे हैं और जितना भी ह्यूमन रिसोर्स इसमें लगेगा वह हम विश्वविद्यालय की तरफ से प्रोवाइड करेंगे। यहाँ के ही बच्चे जो है वहाँ पढ़ रहे हैं, PKS यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हम उनको ही तैयार करेंगे कि अपने क्षेत्र में जाकर के काम करो इस तरह से, और जो यहाँ की नीड है उसको हम पूरा कर सकें, ये हमारा प्रयास रहेगा।